तो ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं। देखो अब आगे फ्यूचर की बात करो तो पेरेंट्स से पूछना बनता है इसमें। ये पिक्चर देखने की या टी शर्ट खरीदने की बात नहीं है, ये जी, फ्यूचर का आपकी बात मामला है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। जिस चीज के बारे में आप फैसला करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये आपके भविष्य के बारे में बातचीत। 5 रुपीज पर डे, 24 सर, क्या आप ये नहीं चाहते कि 27 लाख रुपए आपको मिले? क्या 45 रुपए पर डे आपके बहुत बड़ी चीज है? क्या होता है कि जब बढ़ जाता है, क्वेश्चंस के बदले में जवाब आता है, स्टेटमेंट्स के बदले में जवाब नहीं आता है, आमतौर पे नहीं आता है क्वेश्चंस। तो हमें क्या कहे, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे कि जिसके बदले में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है तो सेल होने की संभावना बढ़ जाती है। सो आगे देखते हैं, ऑब्जेक्शंस कैन बी आंसर्ड विद आंसर्स एंड क्वेश्चंस बोथ। अभी आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसका हमने अभी अभी आपको अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्शन, किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन बोला, ए बी सी डी, कोई आपने से कोई ऑब्जेक्शन है, कोई बोलिए किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपको आया हो, क्या बात? या तो जिस पास भी जाते हैं पुराने पैसे देते हैं कि हाँ ये पैसा पकड़ो चलो तो आप हमारा, कोई भी एक ऑब्जेक्शन एक बताइए पार्टी का जरा। सर और मेरे से बात चल रही है सर, वो अकेले कह रहे हैं हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, बताइए। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। एक सर मेरे जी सर, वो उनका सर ये कहना है कि नरेंद्र भाई अभी तो नहीं, और आप जो ना कराना तो आपसे ही है, करूंगा, और एक ऐसा करना है कि जिसमें 1 लाख रुपये ईयरली का कुछ इन्वेस्ट ऐसा हो जाए, और बट अप्रैल में कर सकता हूँ मैं अभी, और की करना जी है बढ़िया, तो मुझे बढ़िया मालूम आपने है जवाब क्या सर। दिया। जी ठीक है, बढ़िया। तो आपने इसका जवाब क्या दिया? सर मैंने सर उनको सर फोन पे ही सर बात किया था सर, कल बात किया उनसे मैंने, तो कहे नरेंद्र भाई जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि थोड़ा सा इस महीने रुक जाइएगा, और करना तो है ही, और मैंने बोला सर ठीक सर आप सर सही कह रहे हैं, बाकी सर आपका सर कहना भी सर उचित है सर, मेरे घर में सर खर्चा ऐसा होगा तो मैं भी सर मांग के चलता हूँ, लेकिन सर जो टाइम है ना सर 10-10 डी और 80C का, तो सर वो मार्च का ही सर वो महीना सर चल रहा है सर, इसमें आप अभी आप कर सकते हैं, बट सर आप पहले भी सर आप करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए सर वो चीज जाएगी, करें आप देख लें कोई बात नहीं भाई, वो तो नेक्स्ट ईयर में भी काउंट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। मैं सर इस साल के लिए सर कुछ तो सेविंग कर लो, जो इस साल जो जा रहे हैं सही है, उनसे मैंने बोला, तो फिर उन्होंने कहा कि नैन भाई अभी देख लो, देख के मैं विचार करके फिर बताता हूँ आपको, बताओ ठीक है, बढ़िया। सर नतीजा चलिए क्या सर क्या निकला? बोलता हूँ सर, ओके राइट, बस सर तो उन्हीं आपने क्या किया? ठीक है सर हाँ बोलिए, बताइए बताइए। सर बात सर वहीं पे रुक गया भाई, उन्होंने बोला कि मैं नरेंद्र चलो फिर भी मैं एक बार फिर विचार करता हूँ और बताता हूँ, ये सर कल की बात है, कल सर उनसे मेरी बात हुई, तो अब मैं क्या करूँ सर इस केस में, वहाँ पे इस मामले में आपने इस ऑब्जेक्शन के अंदर आपने इसका आंसर किया, आपने इसका जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा है, इट कैन बी आंसर्ड, इसका जवाब दिया जा सकता है, क्वेश्चन के द्वारा भी दिया जा सकता है, इसके बदले में सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो अभी आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन क्या इसको हम सवाल के तौर पे पूछ सकते हैं? क्या क्या इसको हम सवाल बना के पेश कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अभी उसने बोला कि नहीं, ऑब्जेक्शन क्या था आपका? ऑब्जेक्शन सर ये था कि अभी उन्होंने बोला टैक्स वो अभी भाई की शादी आ रही है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा फाइनेंस को लेके, हाँ भाई की शादी कब करना है? तो है बट जी भाई की शादी है नेक्स्ट अच्छा, मंथ में अप्रैल में, अप्रैल में हाँ तो अब एक्चुअली क्या है ना, ये नेक्स्ट मंथ वाले का वो भाई की शादी है, तो सर आपकी बात ठीक है, भाई की शादी के अंदर आपको कितना रुपए डालना है?
क्वेश्चन पूछो ना उसको, भाई की शादी है तो भाई की शादी में भाई करेगा ना, आपको क्या कर आपको उसमें कितना रुपए डालना है सर? नहीं सर, अच्छा यदि भाई की शादी नहीं होती तो आप कितने रुपए का प्लानिंग आपने किया था, कितने रुपए का प्रीमियम आप भरने वाले थे? चलो भाई का शादी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी 1 लाख की सर, 1 लाख का, 1 लाख का प्रीमियम प्लान चल रहा है उनका, 1 लाख के लिए 1 लाख। 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरने वाले थे यदि भाई की शादी नहीं होती, जी यदि भाई की शादी नहीं होती तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम करने वाले थे। भाई की शादी में सर आप कितना रुपए डालने वाले हैं? भाई की शादी में खर्चा आपकी तरफ से कितने रुपए का होगा, कितने रुपए का होगा? वो जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे आपको पता लगेगा वो भाई की शादी के अंदर 5-10 हजार से ऊपर खर्चा कर। हाँ जी, जैसे ही आप ये बात करेंगे आपको पता लगेगा वो भाई की शादी में 5-10 हजार रुपए से ऊपर खर्चा, 5-6 लाख रुपए भाई की शादी में खर्चा करेगा, कोई नहीं सकता। सर वो कह रहा है कि सर भाई वो की बड़ा शादी में भाई वो है ना सर, वो छोटा भाई है उसका, बड़ा भाई है। कितना खर्चा करने वाले हैं सर वो यही बोला सर, मेरे को सारी सारी तो वो कितना खर्चा करने वाले, छोटी बहन भी है भाई की शादी में उनकी तरफ से कितना होने वाला है। ये बोला तो भाई, आप सर कितना रुपया छोटा खर्चा करने वाले हैं, भाई की से कितने रुपए का खर्चा होगा? पांच नरेंद्र से छह जी लाख रुपया खर्च करना है पहला सोल्यूशन है कि नहीं, क्या वो खर्चा करने वाले हैं 5-6 लाख, या तो भाई खर्चा करेगा या तो पापा खर्चा करेंगे, खर्चा कौन करेगा? उनकी तरफ से खर्चा कितना होगा? सर, प्रीमियम वे के अंदर खर्चा 1 लाख रुपए भरना है। सर, वे अब उनकी बोलिए, सर उनकी तरफ से 5 लाख रुपए खर्च होगा, 5 लाख रुपए खर्चा होगा। बढ़िया, वेरी पांच लाख गुड, तो जब हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, भाई की तरफ से भाई की शादी के अंदर 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे। एक और बात बताइए, यदि आपको किसी तरह का पैसे का जरूरत हो तो भाई आपके भविष्य में आपको किसी तरह पर कितना रुपया खर्चा करने को तैयार होगा? पूछो ना एक बार, सेंसिटिव क्वेश्चन एक बार पूछ तो लो, एक सेकंड में उसकी हवा निकलेगी, एक सेकंड में आपको पता लगेगा नहीं 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 भाई से तो हम उम्मीद ही नहीं करेंगे, नहीं 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 भाई तो कोई बात नहीं, वो 1 भी रुपया ना दे तो चलेगा। एक सेकंड में उसको समझ आएगा सच्चाई दुनिया की, एक सेकंड में उसको समझ में आ जाएगी कि भाई के ऊपर खर्चा करना चाहिए। सर आप मैरिड हैं कि नहीं है, आपकी वाइफ है कि नहीं है, सर आपके बच्चे हैं कि नहीं है, सर आप जिंदा हैं तो आप पैसा उनको परिवार के ऊपर खर्चा करके दे रहे हैं। भगवान न करे यदि आप कल रात को जा चुके होते तो आज आपके परिवार के ऊपर क्या आपका भाई 5-6 लाख रुपए खर्चा कर रहा होता? ये खतरनाक सवाल आपको लिख के रखने पड़ेंगे और ये खतरनाक सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्शन के बाद हमारे पास सोल्यूशन यह है, या तो हम छोड़ के चले आए या तो हम उसको हैंडल तब तक करें आखिरी मोमेंट तक। बदले में क्वेश्चन पूछना, प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ आंसरिंग द ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन है उसके लिए जवाब देने के लिए ये जो काबिलियत है विद ए क्वेश्चन, उसके बदले में सवाल पूछना मेक्स यू एन एक्सट्रीमली पावरफुल सेल्स पर्सन। कोई भी ऑब्जेक्शन आया या तो उसका जवाब दो या तो उसके बदले में क्वेश्चन पूछो, इस तरीके से आपकी सेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या ये क्वेश्चन आंसर, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्या इससे आपको कुछ फायदा हुआ जो हमने इतनी सर, अलग अलग तरीके से बताई? सर कई बार ना सर ऐसे सर सर कुछ क्वेश्चन सर ऐसे सर प्रश्न ऐसा है कि भाई की शादी में क्या आप इतना खर्च करने का हक बनता है, क्या वो आपकी शादी में ऐसा कुछ नहीं, खर्च नहीं, करेंगे? हक सर नहीं ऐसा बोला हक मैंने, लगता है? हक नहीं बोला मैंने, बिल्कुल नहीं बोला ना, हक वर्ड यूज नहीं किया मैंने। हक नहीं, यदि हाँ आप हाँ नहीं हक सर, हक वर्ड नहीं यूज बोला सर, करोगे हक आपकी सेल टूट जाएगी। जी मैंने हक नहीं हक बोला सर, वर्ड का आपने राइट इस्तेमाल नहीं, नहीं किया। हाँ जी, सर आपने ये बोला कि जी सर आपने हक नहीं बोला, यस आपने ये बोला कि यदि वो कुछ ऐसा हाँ, हो जाएगा वो यदि आपने आपके लिए हम हक, कुछ करेंगे क्या? यदि नरेंद्र जी यदि आपने हक शब्द का इस्तेमाल कर लिया आपकी सेल तुरंत टूट जाएगी। ये हक एक खतरनाक वर्ड है, ये हक का इस्तेमाल आपने यदि कर लिया ना वो आगे उसके बाद सुनेगा नहीं आपकी बात। शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें, वर्डिंग फॉर कुछ वर्डिंग पॉजिटिव वर्ड होते हैं कुछ एक नेगेटिव। हाँ बताइए 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 ठीक है बताइए सर। पर सर आपने सर ये कहा था ना सर, आपने कहा था कि यस यदि ऐसा कुछ हुआ क्या वो आपकी फैमिली के लिए भी 5-6 लाख रुपया खर्च करेंगे क्या आपको लगता है? मतलब आपने जी, प्रश्न ही उनसे पूछा था जी। हाँ, तो वहाँ पे सर प्रश्न आपने सर पूछने मुझे हैं। सर जी जी मुझे सर वहाँ पे ऐसा लगता है सर, मैं उससे प्रश्न पूछूंगा सर, मुझे लगता है सर उससे सर ये प्रश्न पूछना चाहिए, मेन सर से यही है प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है सर, यू आर राइट, प्रश्न पूछना चाहिए सर, प्रश्न पूछने से ही सेल होती है। हाँ, हमें पावरफुल जी अलग अलग ढेर सारे क्वेश्चंस लिख के रखने एडवांस में जरूरी हैं। ये सारे के सारे पावरफुल क्वेश्चंस हम लिख के रखेंगे,
इनको समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। शुरू में हम इनको हर रोज अपने वो क्वेश्चन से एक बार देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। समय समय पर यदि हमने लगातार अपने क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहा तो रिवीजन करने का फायदा ये रहेगा कि हम जब कस्टमर के सामने बैठे हैं तो हमको भूलेगा नहीं, ये फायदा रहेगा। इसलिए हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को लिख के रखना पड़ेगा और प्रिपेरेशन करके जाना पड़ेगा। वरना क्या है, यदि हम प्रिपेरेशन करके नहीं गए तो जो मन में आया बोल दिया, लेकिन जो मन में आया बोल दिया क्या उससे सेल होता है? कोई गारंटी नहीं है। तैयारी करके जाने से, इसलिए हम लोग इमोशनल मेंटल फिजिकल प्रिपरेशन का ये जो पीडीएफ है, ये मिस्टर राजेश टैगोर का जो बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको बार बार एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते रहते हैं कि इसके अंदर से हम पूरी तैयारी के साथ जाएं। जब हम जाएं किसी प्रोस्पेक्ट के पास इंश्योरेंस बेचने के लिए, पावरफुल तरीके से जाएं। जैसे शेर जाता है, शेर पावरफुल तरीके से जाता है, जब चला जाता है तो जिसके पास शेर चला गया है वहां से लेकर ही आता है, उस शेर कभी खाली हाथ नहीं आता। जैसे चील का है तरीका काम करने का, चील प्रिपरेशन में भले ही घंटा आधा घंटा पौना घंटा लगाए, लेकिन जब उसने अटैक कर दिया तो उसके बाद वो खाली हाथ नहीं आता। राइट, भक्ति का हमारा है एडिंग मोर टू लाइफ। आपको किसी को नजर आई, किसी को मिली, ये व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने भेजी है कि आपको किसी को दिखी ये वाली बुक व्हाट्सएप के ग्रुप में, एडिंग मोर टू लाइफ। देखा था। इस किताब में आपको क्या समझ आया, क्या आपने इसको खोल के देखा, समझा सर, जाना सर? अभी ज्यादा नहीं समझ, सर स्टार्टिंग किया था सर, ज्यादा समझा नहीं इसको, जस्ट देखा था सर। हाँ, सामने बुक भेजिए जी। जी बढ़िया। आईओए का एक बार इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था साई ऑडिटोरियम में लोधी रोड पर, तो वहां पर मैं लेकर गया था। हमारी टीम के बहुत सारे साथी थे, राजेंद्र कुमार जी भी थे, प्रियंका गुप्ता जी भी थी, बहुत सारे साथी थे। तो मैं उनको वहां पर लेकर गया, 211 पेज की ये वाली किताब है। उस दिन इसका इनॉग्रेशन था, भरत पारिक वहां पर आए हुए थे, उनके जो डीओ हैं रिटायर्ड मूलचंदानी जी आए हुए थे। तो किताब का उस समय इनॉग्रेशन पारिक जो हैं इंडिया के नंबर वन एजेंट चालू किए थे। बहुत बुरी हालत थी, फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत थी, और ऐसी सिचुएशन में से निकल के हम लोग 9 करोड़ रुपए कमाने तक के लेवल पर अपने आप को पहुंचा पाए। हमारे पास 40 लोग हमारे ऑफिस के अंदर काम कर पाए, ज्यादा काबिल तारीफ है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि एक नौ आने वाले एजेंट का तरीका क्या होता है, से होता है, लाइफ कैसे होनी? हेलो, बिल्कुल सर, है नहीं है? जी सर, इच्छा है, इसी वजह से मैंने ये वाला भेजा था आपको कि आपके काम आ सकता है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें, अच्छी किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, आप इसको जरूर पढ़ें। हमारे पास कल स्पेशली मैंने फोटोग्राफ आपको भेजे, जो आपके बीएम साहब हैं उन्होंने अग्रवाल जी को ऑनरिंग किया, तो बहुत बधाई। स्पेशली इनको ये रिपब्लिक ट्रॉफी से इनको सम्मानित किया गया, स्पेशली ये सर्टिफिकेट जो है ये इनको दिया गया, मार्केटिंग मैनेजर का सर्टिफिकेट जो है ये इनको दिया गया, स्पेशली ये वाला शील्ड इनको दिया गया। तो कल का जो है प्रोग्राम, ये मिल्टन का वाटर बॉटल भी जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था। आप में से जिन जिन साथी का रह गया है, मेरे को लग रहा है कि शायद नरेंद्र जी का भी शायद क्वालिफाई था या नहीं था, शायद ऐसा कुछ था, या तो मनीष जी का था। तो मिल्टन वाटर बॉटल का भी जो प्राइस है वो भी कुछ एक साथियों का अवेलेबल है, जिन जिन का है वो उसको अलग अलग प्राइस है। वो हमारी कोशिश क्या रहती है कि उसको एडवांस में लेके रखा जाए, वो जैसे बाद में फिर अपने लोगों को बार बार भगवान जी प्राइस दिलवाओ मैडम हैंडल करते हैं। तो कोशिश करता हूँ जो भी प्राइजेस हैं फटाफट उनको ले लिया जाए। सो आपके जो भी प्राइजेस हैं वो आप ले लीजिएगा, मेरे पास रखे हुए हैं अलग अलग प्राइजेस आपके, मैंने संभाल के रखे हुए हैं, वो आप ले लीजिएगा।
आज के प्रोग्राम के बारे में हमारे पास जो है 37 मिनट हमारे हो चुके हैं अभी तक, तो आज के प्रोग्राम के बारे में और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? हरिराम जी ने अभी अभी एंट्री किया है, हरिराम जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका कैसा चल रहा है काम, किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर पा रहे हैं, बात आपका कितने लोगों से हुआ, नई पॉलिसी के बारे में आपने कितने लोगों को समझाया आज या कल या परसों, कितने लोगों को समझाया बताना चाहेंगे? बता सकते हैं, पॉसिबल है? सर समझाया तो दो तीन लोगों को, लेकिन वो कराने के मूड में नहीं है। अच्छा प्लान में क्या खराबी लग रही है? तो मान लिया ना अच्छा नहीं है, अच्छा खराबी क्या है प्लान में, क्या खराबी लग रही है? कस्टमर के ऊपर है, वो कह रहे हमें अच्छा नहीं कोई लग रहा प्लान, तीन चार प्लान बताए मैंने। बढ़िया बढ़िया, तो एक तो सबसे पहले हरिराम जी एक तो ये मान लीजिए कि कभी भी ना कस्टमर के ऊपर कुछ नहीं होता है, एक तो ये अपना जो डायलॉग है उसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अपना जो विश्वास है उसको थोड़ा सा बदल लीजिए, कभी भी कस्टमर के ऊपर कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे ऊपर होता है, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ हमारे ऊपर होता है, कभी भी कस्टमर के ऊपर कुछ नहीं होता है। हाँ कस्टमर का जवाब हमको मिलता है, उसका जवाब को कैसे हैंडल करना है वो टोटली हमारी जिम्मेदारी है। सो यदि उसको प्लान पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उसकी नीड्स को हम समझ नहीं पाए, उसकी जरूरतों को हम समझ नहीं पाए, उसको किस तरीके के प्लान की जरूरत है ये हम उसको समझ नहीं पाए, उसको सेविंग प्लान चाहिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए या बच्चों की शादी के लिए चाहिए, या तो इकट्ठा पैसा जमा हो जाए, इकट्ठा 20 25 30 लाख 40 लाख रुपए मिला वेल्थ बिल्डिंग के लिए चाहिए, या तो टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, या तो हेल्थ के लिए, ये सब चीजें हम समझ नहीं पाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पे डायरेक्टली आपने प्लान समझाना शुरू किया था या तो उसकी जरूरतों के बारे में कुछ बात किया था, कुछ फायदों के बारे में कुछ बात किया था? नहीं पहले तो बात हुई थी सारी। कौन कौन सी जरूरतों के बारे में आपने प्लान समझाया, आपने उसकी कौन सी जरूरत के लिए प्लान समझाया? वो हॉस्पिटल के लिए भी कह रहे थे, हॉस्पिटल का भी समझाया, फिर 936 समझाया। यदि मान लीजिए कोई प्लान, ठीक है बढ़िया, यदि कोई तीन चार प्लान पसंद नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीन चार प्लान यदि पसंद नहीं आ रहे हैं हमारे पास, उन तीन चार के बाद में चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां और भी प्लान अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में भी उनको बातचीत कर सकते हैं, उनकी जरूरत को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनको और भी प्लान आप बता सकते हैं। नहीं पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे पास दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों में से और भी लोगों को, इसीलिए नए लोगों को ज्यादा मिलना जरूरी है। तो आप यहाँ पर आए, 40 मिनट हमारे जुड़े आज के हो चुके हैं, आपने यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, नरेंद्र पाल जी ने, हरिराम जी ने और भी साथियों ने अलग अलग बातें बताई, एक दूसरे की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आज का दिन आपका बहुत ज्यादा शानदार रहे। 26 मार्च है, शुक्रवार का दिन है, कल सुबह 8:25 पर हम दोबारा से कुछ अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक ऐसा करेंगे जिससे कि हम सभी का सेल तेजी से बढ़े, हमारा बड़ा बड़ा अमाउंट का सेल। तो आज नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ाइए, ज्यादा लोगों